नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आगरा किले की। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है। एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। वर्तमान समय की संरचना मुगलों द्वारा बनाई गई थी, हालांकि कहा जाता है कि यह 11वीं शताब्दी से बादलगढ़ के नाम से यहां खड़ा है। आगरा का किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था। चलिए जानते हैं इसके दिलचस्प इतिहास के बारे में। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। दोस्तों, आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी शानदार इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प हैं। आप आगरा के किले से ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। यह महान संरचना धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है। अगर आप खास तौर से आगरा का किला देखने जाना चाहते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको आगरा किले से जुड़े इतिहास और दिलचस्प तथ्यों की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए यात्रा करते हैं आगरा फोर्ट की। शाहजहां को सफेद संगमरमर से चीजें बनाने की आदत थी। उसने आगरा किले में भी कुछ संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया। आधुनिक आगरा के किले को इस प्रकार और खूबसूरती मिली। दोस्तों, आगरा किले के 2 द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट, जिसे अमर सिंह राठौर के नाम पर अमर सिंह गेट भी कहा जाता है। चूंकि भारतीय सेना अभी भी आगरा किले के उत्तरी हिस्से का उपयोग कर रही है, इसलिए दिल्ली गेट को जनता के लिए नहीं खोला गया है। पर्यटक अमर सिंह गेट से प्रवेश करते हैं। आगरा के किले में जोधा बाई के महल की दीवार में लगी दरारों से आप ताजमहल को देख सकते हैं। आगरा किले का खास महल दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास का मॉडल था। आगरा किले में दीवाने खास में शाहजहां का प्रतिष्ठित मयूर सिंहासन था, जो शानदार कोहिनूर सहित कीमती पत्थरों से युक्त था। जब अकबर ने इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया था, इस पर 8 साल तक काम किया। इसे 1573 में पूरा किया। किले की दीवारें 70 फीट ऊंची हैं। आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जहांगीर महल नजर आएगा। जहांगीर अकबर का बेटा था और उसके पिता के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगली पंक्ति में था। जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला प्रदेश के रूप में बनवाया था और उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधाबाई के कक्षों से किया गया था। दोस्तों, आगरा किले में एक और महत्वपूर्ण संरचना खास महल है, जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकनों के स्पर्श के साथ कुछ शास्त्रीय फारसी और इस्लामी प्रभाव हैं। यहाँ सम्राट आराम करते थे। इसकी अनूठी विशेषता संगमरमर की सतह पर इसकी खूबसूरत पेंटिंग है। खास महल के बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आकार में अष्टकोणीय इस टॉवर में एक खुला मंडप है, जहां सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। यह वह जगह थी जहां शाहजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जहां से वह अपनी प्यारी पत्नी की कब्र ताजमहल को देखता था। दोस्तों, आगरा किले में सबसे उत्तम निर्माणों में से एक शीश महल एक हरम या ड्रेसिंग रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ा। शीश महल के दाईं ओर दीवाने खास है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल के रूप में था। इसे संगमरमर के खंभों से सजाया गया है, जो अर्ध कीमती पत्थरों से जड़ा है। आगरा का किले में यह वह हॉल था जो आम जनता के लिए खुला था।
मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित एक अत्यंत सुंदर संरचना है। मस्जिद की इमारत अब पर्यटकों के लिए बंद है। मोती मस्जिद के पास मीना मस्जिद है, जो सम्राट शाहजहां का निजी मंदिर था। नगीना मस्जिद, इस मंदिर का निर्माण सम्राट शाहजहां ने दरबार की महिलाओं के लिए एक निजी मस्जिद के रूप में करवाया था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद उन्हें निर्णायक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। दोस्तों, आगरा किला मूल रूप से एक सैन्य रक्षा के रूप में बनाया गया था। इतिहास के अनुसार किला एक दीवारों वाले महलनुमा शहर में तब्दील हो गया। इतिहास के अनुसार ताजमहल का निर्माता शाहजहां अपने ही बेटे के यहां 8 साल तक कैद रहे थे। जिस कमरे में उन्हें कैद किया गया था वो सफेद मार्बल से बनी बालकनी वाला शानदार कमरा था। यहां से वह अपनी पत्नी के लिए बनवाए गए भव्य मकबरे ताजमहल को देख सकता था। अंग्रेजों ने अपने सैन्य अभियानों के लिए इस किले का इस्तेमाल किया था। वास्तव में इस कैनन के विपरीत तरफ आपको ब्रिटिश जनरल का मकबरा भी देखने को मिलेगा। नगीना मस्जिद आगरा किले में शाहजहां द्वारा निर्मित एक छोटी मस्जिद है। यह पूरी तरह से किले की महिलाओं के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये था आगरा का किला। दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो में आगरा के किले के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।